हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑसिलेशन। सो दिस इज स्टूडेंट्स द चैप्टर ऑफ यूनिट 10 ऑसिलेशंस एंड वेव। सो दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ अवर सिलेबस स्टूडेंट्स। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जो बिगनिंग के चैप्टर्स थे, जो मैकेनिक्स के शुरू वाले चैप्टर्स थे, अब हम फिर यहाँ पर अपनी मैकेनिक्स को रिवाइज करेंगे और जो मैकेनिक्स हमने पार्ट वन में स्टडी की थी उसका हम कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। ओके, तो ऑसिलेशन स्टडी हमें करना है और नेक्स्ट चैप्टर वेव। तो यूनिट 10 का चैप्टर 14 है ऑसिलेशंस और इसके बाद चैप्टर 15 है वेव्स। सो स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस डिस्कस करने से पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी किया, प्रोजेक्टाइल मोशन किया, सर्कुलर मोशन किया, फिर आपने रोटेशनल मोशन किया, रोटेशनल के बाद भी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का जो कॉम्बिनेशन था, रोलिंग किया। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है। जो पहले वाली बॉडीज का मोशन था उसमें बॉडी अपनी जगह से दूसरी जगह, देयर इज नेट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडीज इन केस ऑफ दोज मोशन लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यहां पर क्या होगा, अपनी ही पोजीशन में रहते हुए बॉडी मूव करेगी। तो पीरियोडिक, पहले ऑसिलेशन में बेसिकली जो ऑसिलेशन हमें डिस्कस करने हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन में ऑसिलेशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कई बुक्स में इस चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी दिया हुआ है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं पीरियोडिक मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन की केवल एक ही कंडीशन होती है कि बॉडी रिपीट्स इट्सेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जब बॉडी मोशन में होती है तो वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजिशन को फिर से रिपीट कर लेती है। जैसे मान लो आप किसी सर्कुलर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, तो आप सर्कुलर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं तो अगर आप वापस एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसी पोजीशन पर आएंगे और आएंगे, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो आप फिक्स्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद वापस फिर उसी पोजीशन में आएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में बॉडी की पोजीशन रिपीट होती है, केवल यही कंडीशन है। और जो रिपीटिशन का जो टाइम है, जो इंटरवल है, जितने टाइम के बाद बॉडी अपनी पोजीशन को रिपीट करती है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द मोशन। जैसे मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, जो हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मिनट्स हैंड, सेकेंड हैंड, वो एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे मिनट्स हैंड है तो वो 60 मिनट के बाद फिर से वहीं आ जाएगा, आवर्स हैंड है वो 12 आवर्स के बाद फिर से वहीं आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन चाहे एक लाइन के अलोंग हो रही है, चाहे किसी सर्कल के अलोंग हो रही है, और चाहे अप एंड डाउन, अगर तो वो बॉडी अपनी पोजिशन को रिपीट कर रही है तो उसको बोलेंगे हम पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लो कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ये हमारा पीरियोडिक मोशन हो गया। इसमें एक बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव कर रही है अबाउट दिस पॉइंट ओ, मतलब ओ से ए तक जाती है, फिर ए से ओ होते हुए बी तक, फिर बी से ओ होते हुए ए तक, मतलब ओ के अबाउट ए और बी के बीच में मोशन हो रहा है, और जो ओ है उस पर एक फिक्स टाइम के बाद वो आ जाती है, तो ये भी हो जाएगा हमारा पीरियोडिक मोशन। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि ऑसिलेटरी मोशन में दिस इज टू एंड फ्रो। ऑसिलेशंस में क्या होगा, ऑसिलेशंस में टू एंड फ्रो मोशन होगा, मतलब वापस जाके नहीं आएगा, टू एंड फ्रो, एक पॉइंट के अबाउट, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेंगे उसके अबाउट टू एंड फ्रो, और बैक एंड फोर्थ, और अप एंड डाउन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट विद इन टू वेल डिफाइंड लिमिट्स, उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और एक ऑसिलेटरी को हम वाइब्रेटरी भी बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत जल्दी जल्दी जो ऑसिलेशंस होते हैं काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के, उनको बोल देते हैं हम वाइब्रेशंस। तो जैसे सिंपल एग्जाम्पल इसका, सिंपल पेंडुलम मैं स्टूडेंट्स लेता हूँ, ये मान लो कोई पेंडुलम है मेरा, मेटल बॉडी है, इसको मैंने डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, तो ये इस पॉइंट के अबाउट इधर उधर ए और बी के बीच में मूव करेगा, तो इसको बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑसिलेटरी मोशन में कंडीशन क्या है टू एंड फ्रो का,
और अब डिफरेंस समझना, आप डिफरेंस समझना कि ऑसिलेटरी मोशन में कंडीशन है टू एंड फ्रो का, बैक एंड फोर्थ का, अप एंड डाउन का, लेकिन पीरियोडिक में क्या है कि भाई पोजीशन रिपीट होनी चाहिए। तो अगर कोई मोशन पीरियोडिक है तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी भी होगा। जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन और मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, तो ये दोनों की दोनों पीरियोडिक तो हैं लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी की कंडीशन टू एंड फ्रो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब जितनी ऑसिलेटरी मोशन है ये भी जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी पीरियोडिक हो। अब मैं इसका, अब जैसे बुक में लिखा हुआ है कि ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नॉट नेसेसरीली ऑसिलेटरी मोशन, ओके, बट ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, ये सही नहीं है। मतलब सारी की सारी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारी की सारी ऑसिलेटरी पीरियोडिक होंगी ये भी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी, सुनो जरा। जैसे सपोज ये कोई बॉडी है, या सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो कोई ट्रेन है दिल्ली और मुंबई के बीच में चलती है, तो दिल्ली मुंबई के बीच में अगर कोई ट्रेन चलती है तो वो अगर अपना फिक्स्ड टाइम पे चलती है, डिले नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच में एक कोटा स्टेशन आता है, ठीक है, तो कोटा स्टेशन पे मान लो ट्रेन 1 बजे का टाइम है उसका रुकने का, तो आज 1 बजे आई और कल भी 1 बजे आई, तो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो ट्रेन प्लाई कर रही है, चल रही है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन में है अगर फिक्स्ड टाइम पे वो कोटा स्टेशन पहुंचती है अपने रेस्पेक्टिव टाइम पे, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन है, आना जाना, और एक टाइम के बाद वो क्या कर रही है, अपना मतलब पोजीशन को रिपीट कर रही है, तो पीरियड। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। मान लो आप किसी से पूछोगे कि कोटा स्टेशन पे कि सर यहाँ पर जो दिल्ली मुंबई के बीच में ट्रेन चलती है वो कितने बजे आएगी, तो आपसे बोलेगा कि सर कल तो 1 बजे आई थी और टाइम तो इसका 1 बजे का ही है, लेकिन परसों 2 बजे आई थी और आज अभी पता नहीं है, 4 बजे से पहले नहीं आएगी। तो अब जब उसका टाइम ऑफ अराइवल चेंज हो गया तो वो पीरियोडिक नहीं रहा, क्यों, क्योंकि रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद तो अपनी पोजीशन को रिपीट नहीं किया, तो ऑसिलेटरी तो है बट पीरियोडिक नहीं है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कि ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नॉट नेसेसरीली ऑसिलेटरी मोशन एज वेल एज ऑल द ऑसिलेटरी आर नॉट नेसेसरीली पीरियोडिक। ये मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। अब हम यहां पर जो मेन बात है जिसके लिए हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, और पीरियोडिक और ऑसिलेटरी का कंसेप्ट पूरा करने के बाद मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करता हूं। देखो पीरियोडिक मोशन है या ऑसिलेटरी, पीरियोडिक को तो एक बार छोड़ दो, ऑसिलेटरी को याद करो। ऑसिलेटरी में टू एंड फ्रो मोशन होता है, सो स्टूडेंट ध्यान से समझना, टू एंड फ्रो में वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि इधर गया फिर आया तो वेलोसिटी तो चेंज हुआ, मान लो स्पीड भी अगर सेम है तो वेलोसिटी तो चेंज हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हो गया तो उसमें एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया तो फोर्स भी लग रही है, तो फोर्स के अंडर में जो मोशन होती है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मोशन इन विच फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स लगता है वो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगेगा, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब किसी बॉडी पर जो मोशन में है फोर्स अगर लगने लगे तो फोर्स तो कितने तरह का फोर्स हो सकता है, दुनिया में न जाने कितने तरह के फोर्स हैं, एफ इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी हो सकता है, एफ इज इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेज विच कैन एक्ट ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, ओके, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको यही बात याद रखनी है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स केवल और केवल एक ही तरह का फोर्स, एक स्पेशल फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला जो फोर्स होगा अगर वो किसी बॉडी पर लग रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। और ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इस चैप्टर का की कंसेप्ट है, इस चैप्टर का आधार कार्ड है,
एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वेशन के अंदर इतनी ताकत है, इतना दमखम है कि इस एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स को लेकर आप पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर जाओगे, समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन इसका निकाल सकते हो, लगा सकते हो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो फोर्स इज वेरी वेरी स्पेशल। अगर मैं ये कहूं क्या एफ इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर सिंपल हार्मोनिक है, नहीं है। क्या एफ इज या माइनस लगाते हैं तो भी नहीं है। एफ इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स सिंपल हार्मोनिक है, नहीं है। कोई भी फोर्स के अंडर में होने वाली मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई क्वेश्चन आता है तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स बहुत वहां पर यूजफुल होगा। तो एक ऐसी ऑसिलेटरी मोशन, एक ऐसी टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ मोशन जिसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब हमें समझना है। पहले तो आपको यह आइडिया लग गया होगा ए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ए मोशन अंडर ए फोर्स विच इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स नेचर। के कॉन्स्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट की मैं भी बात करूंगा, और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर नेगेटिव साइन जो आया है इसका मतलब होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। जैसे मान लो यहां से कोई बॉडी इधर चली गई और यहां पर उसका पोजिशन है P पर, M मास का कोई पार्टिकल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, और फोर्स लगेगी इस पर टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। तो नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स एंड नेगेटिव साइन फिजिक्स में वेक्टर में यूज होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। और A इज इक्वल टू एफ बाई एम बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए, तो माइनस के एक्स बाई एम, और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मैं अभी बाद में आपको क्लियर करूंगा। तो आप एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो नेगेटिव साइन का मैं मतलब बता रहा था कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। तो यहां पर कोई, मान लो ये कोई पार्टिकल है जो इस लाइन के अलोंग ए और बी के बीच में अबाउट ओ मूव कर रहा है, सो ओ इज कॉल्ड द मीन पोजिशन, ए एंड बी आर कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजिशन। पार्टिकल का पोजिशन किसी टाइम पर पी पर है, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा है, दिस इज द फोर्स विच हैज ए टेंडेंसी टू ब्रिंग द बॉडी बैक टूवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन। तो एम मास के पार्टिकल पर इधर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा ओ की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मोशन की डेफिनेशन बता रहे हैं, सर एकदम से फोर्स पर पहुंच गए, जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि भाई बॉडी है कहाँ ड्यूरिंग इट्स मोशन, या बॉडी का वेलोसिटी कितना है, या बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, तो हम कैसे मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की यहां पर आपको एनालॉजी समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो ज्योमेट्रिकली हम इसको समझ पाएंगे, ज्योमेट्रिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने किया है, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है और सेंटर ओरिजिन पर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग इसके डायामीटर्स हैं, और सपोज कोई पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है और वो पी पॉइंट से टी इज इक्वल टू जीरो से अपना मोशन स्टार्ट करके टी टाइम में t इज इक्वल टू टी में क्यू पर पहुंच गया, और जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो वो एंगल ट्रेस करता है, उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होती है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि प्रोजेक्शन का मतलब मैं समझा रहा हूँ, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए किसी पार्टिकल का सामने वाले डायामीटर पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है दैट इज द प्रोजेक्शन। बात को समझें, पार्टिकल पी पर है तो पी से मैंने सामने वाले डायामीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो ओ पे मीट किया, देखो जरा पी से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, O पे मीट कर गया, सो O इज द प्रोजेक्शन ऑफ P। मेरा पार्टिकल P से Q तक चला गया, मैंने Q से सामने वाले डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इट मीट्स एट M, सो M इज द प्रोजेक्शन ऑफ Q। तो हमें जो देखनी है वो प्रोजेक्शन की मोशन देखनी है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का जो सामने वाले डायमीटर पर प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो पार्टिकल हमारा पी पर, इसका प्रोजेक्शन ओ पर, पार्टिकल हमारा क्यू पर, इसका प्रोजेक्शन एम पर, तो प्रोजेक्शन ओ से एम चला गया। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पी से क्यू तक गया तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो ओ से एम तक चला गया। तो प्रोजेक्शन का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायामीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस। तो प्रोजेक्शन ओ से एम तक गया तो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई। तो हम ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की पोजिशन कितनी है और पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे मान लो ये आगे जाएगा प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ प्रोजेक्शन, फिर ये इधर आएगा सर्कल में मान लो, तो फिर प्रोजेक्शन इधर, फिर इधर। तो पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर के अलोंग है। ये डायमीटर वाई एक्सिस भी वाला भी हो सकता है और ये एक्स एक्सिस वाला भी हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्शन तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बताओ। ओके, तो अब देखो जरा इन ट्रेंगल ओ क्यू, ओ क्यू एन ले लेते हैं इसको, ओ क्यू एन। ओके, रेडियस इसका सर्कल का ए है, ओ क्यू एन। तो ओ क्यू एन में, या ओ क्यू एन नहीं, ओ क्यू एम ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो गया ओ एम, ओ क्यू साइन थीटा, ओ एम इज वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा को लिख लिया ओमेगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट जो पोजिशन बताएगा, ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मतलब पार्टिकल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ए, विच इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, और ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी हो गया हमारा टाइम। ओके, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अब कई बार क्या होता है, ये जो ओमेगा टी है, ये जो पूरा का पूरा ओमेगा टी है, इसको बोलते हैं फेज। फेज का मतलब होता है एंगल कवर्ड इन टाइम टी, एंगल कवर्ड इन टाइम टी, टी टाइम में कितना एंगल कवर किया उसको बोलते हैं फेज। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टिकल का मोशन पी से ही स्टार्ट हो, पार्टिकल का मोशन मान लो यहाँ पर से स्टार्ट हो सकता है, टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ भी हो सकता है, और ऑलरेडी ये कुछ एंगल मान लो अल्फा एंगल चला हुआ है, और टी टाइम में ये ओमेगा टी चल गया। तो अगर पार्टिकल यहाँ पी डैश से स्टार्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ऑलरेडी उसका फेज एंगल है। जैसे इनिशियल पोजीशन तो हम ओरिजिन से मेजर करते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे हो, पार्टिकल इनिशियली कहीं भी हो सकता है। तो जो अगर मान लो आगे होगा तो हम उस पोजीशन को ऐड कर देंगे उतना डिस्प्लेसमेंट, और पीछे होगा तो माइनस। तो अगर ऑलरेडी आगे से चल रहा है तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, और इस एल्फा को बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, और इसको फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। अब अगर मान लो ये पीछे से चले, ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ से भी चल सकता है पी डबल डैश से भी, ऑलरेडी मान लो एल्फा एंगल पीछे है और टी टाइम में ये यहाँ पहुँच गया ओमेगा टी ट्रेस करके, तो हम तो यहीं से मेजर करेंगे इसका, ओरिजिन से ही ना मेजर करेंगे, तो ये ऐसे भी हो सकता है माइनस। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस एल्फा, और इनिशियल फेस अगर जीरो है मतलब पार्टिकल अपने जीरो पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये इक्वेशन, हमें t टाइम पर पार्टिकल की पोजिशन के बारे में बताती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब अगर मान लो x प्रोजेक्शन फिर भी कर सकते हैं फॉर
एक्स प्रोजेक्शन। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा। तो स्टूडेंट्स दो इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ SHM, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये y इज इक्वल टू मान लो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये SHM नहीं है, क्यूब है ये भी SHM नहीं है। मतलब SHM वो होगी जिसमें साइन की सिंगल पावर होगी। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन की पावर सिंगल होगी, लीनियर होगा। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लो। और अब मैं इसमें आगे चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे मैंने एकदम से आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा दिया। दो बातें आपको याद रखनी है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला फोर्स होता है और वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। अब आप देखें यहाँ पे आगे, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, तो मैं लिख देता हूँ नंबर वन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाई इज पैरामीटर्स इन SHM, SHM के पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। नंबर टू वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वाई बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी। सो v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, सो डी वाई बाई डी टी अगर मैं इसको लिखूंगा a साइन ओमेगा टी को, ओके तो a बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी, ओके और ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा, और मैं कॉस ओमेगा टी को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, ओके और यहाँ से साइन ओमेगा टी कितना आ गया, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, सो v इज इक्वल टू ओमेगा ए ओमेगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेके ए से ही कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इन SHM क्वेश्चन आ जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेलोसिटी इन SHM v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर स्पेशल केसेस देखो डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशल केसेस फर्स्ट पार्ट है हमारा एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन, मीन पोजिशन में y इज इक्वल टू जीरो, ओके यहां पर है तो यहां से तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए। सो मीन पोजिशन में वेलोसिटी ओमेगा ए होती है जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट मीन पोजिशन इन SHM वेलोसिटी इज मैक्सिमम विच इज ओमेगा ए। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM एंड वेयर इट इज इन SHM, इट इज एट मीन पोजिशन एंड इट्स वैल्यू इज ओमेगा ए और ए ओमेगा। सेकेंड एट एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, एक्सट्रीम पोजिशन मतलब मीन इसके और इसके बीच में हो रही है ना, मान लो ये है हमारा, ये है R और ये है S, तो O के अबाउट R और S के बीच में हो रही है SHM, तो जब R एक R एक्सट्रीम पोजीशन है और S एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे y कितना हो गया, ये तो सर्कल की रेडियस के ही बराबर हो गया, तो वेलोसिटी हो गया हमारा जीरो मिनिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है जो कि जीरो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और फॉर ए मोमेंट वो रुकेगा तभी ना वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो थर्ड चीज है वो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन SHM। सो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मैंने जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया था वेलोसिटी का, जो निकाला था डिफरेंशियल ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ए कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी और ए एक ओमेगा, सो ये ए ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओके और ए साइन ओमेगा टी मेरा वाई है,
सो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, सो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें कंडीशन पता लग गया, SHM का कंडीशन होता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये भी हो जाएगा बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं जरा, एक्सेलरेशन का स्पेशल केसेस। नंबर वन, एट मीन पोजीशन वाई इज इक्वल टू जीरो, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो मिनिमम। और नंबर टू, एट एक्सट्रीम पोजीशन वाई इज इक्वल टू ए, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैक्सिमम। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन मिनिमम है जीरो है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो जहां पर वेलोसिटी मिनिमम है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी मिनिमम है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि एक ऐसी मोशन जिसमें फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वो भी मेरी बात प्रूव हो चुकी है, मैं इसको ड्राइव कर चुका हूँ। और जिस कॉन्स्टेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप अगर सीधी लर्न करेंगे, याद रखेंगे, तो बहुत यूजफुल रहेगी। देखो, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई। सो के का वैल्यू कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर, दिस के इज कॉल्ड द स्प्रिंग फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने देख लिया कि किस तरह से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंट्रोड्यूस किया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली मोशन को, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने एनालॉजी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ के उसका इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले लिया। अगर हमारा इनिशियल फेज कुछ है, इनिशियल एंगल ऑलरेडी कुछ है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी एंगल भी ट्रेवर्स करती है, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा, ये टोटल फेज है, और ये इनिशियल फेज है टी इज इक्वल टू जीरो, या एक्स प्रोजेक्शन वाला है, तो दो इक्वेशंस हो सकती हैं SHM की, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा, और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, और उसको यूज करते हुए कैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी निकाला, उसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए, एक्सेलरेशन को निकाल के लाए, उसके स्पेशल केस डिस्कस किए, और जो ओरिजिनल कंडीशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको मैं उसका आधार कार्ड भी बोल रहा था, एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, उसको ड्राइव किया, और इस के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर के बारे में भी पता लगाया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, और फर्दर टॉपिक लाइक एनर्जी वगैरह को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।